राजस्थान सरकार ने आज बुधवार को बजट पेश किया। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बन गया है। अब बजट 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान हुआ है। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह ही पेंशन की घोषणा की गई है। इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बीच एक बड़ा ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा जो इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।